अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद अमान, आप देख रहे हैं करीब वाली वीलॉग रावलपिंडी। आज हम जा रहे हैं अफ्तारी में, क्योंकि हमें दावत दी गई शकील अनवर भट्ट, शकील सरदार शकील जहांगीर साहब की जाने से। एक्चुअली शकील साहब जो है ना, वो हमारे एक काउंसलर थे पहले, शकील अनवर भट्ट साहब ने उनकी मफर फरमाया, वो दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन ये शकील सरदार शकील जहांगीर साहब हैं। तो इन्होंने हमें दावत दिया कि आज जो है ना अफ्तारी तो बाबा जी नाल ही कर सा, तो हम अरेंजमेंट शरेंजमेंट खुद करेंगे। और इनको बड़ी ज़बरदस्त कोई जगह मिली है, उन्होंने कहा कि यार वहाँ पर जो है ना बड़ा ज़बरदस्त अफ्तारी का सिस्टम होता है, तो हमें वहाँ पर जाना चाहिए। तो फिर मैंने कहा यार क्यों ना चलें, साथ में वीलॉग बनाएंगे ना, क्यों ना जाएंगे। ठीक है, तो आओ जी चलते हैं। अभी हमने डिसाइड नहीं किया कि यार हमने लेना क्या है, क्या क्या चीज़ लेनी है, क्या नहीं लेनी, तो फिर अभी जाके हम डिसाइड करते हैं। अभी बाहर जाके देखते हैं कि यार क्या क्या वहाँ पे सब बात अवेलेबल है, फिर जब लेंगे तो फिर जाके दिखाएंगे कि क्या ले रहे हैं। फिलहाल तो आज जी बाहर चलते हैं हम लोग। जी शकील साहब फाइनली हमें मिल गए हैं। जी शकील साहब यहाँ पे जो है ना वो चीज़ें चीज़ें उन्होंने लेना शुरू कर दी हैं, और कह रहे हैं जी जलेबियाँ शबियाँ पकड़ लेते हैं, नाले फ्रूट चाटा पकड़ लेते हैं। तो लेट्स सी और क्या क्या शकील साहब पकड़ेंगे यार। जावेद साहब के पास चलते हैं। जावेद साहब से बिरयानियाँ पकड़े हैं, अगर आप जुबल अली में होते जावेद साहब से लाजमी बिरयानी लें। दो आइटम हो गए, दो आइटमें होगी हैं जी। अभी और देखते हैं क्या ले रहे हैं हम लोग। आंटी से कुछ नहीं लेना। चलो जी आगे चलते हैं, देखते हैं क्या जी। हम तो बस आज शकील साहब को फॉलो करेंगे। फाइनली शकील साहब मिले हैं, शकील साहब से पूछेंगे यार शकील साहब कैसे हैं आप सर, ठीक है? आप सुनाए, ठीक है? अल्लाह का शुक्र है जी। क्या सीन है जी, आप किधर लेके जा रहे हैं आज? आज हम आपको लेके जाएंगे दुबई फेस्टिवल प्लाजा में। अच्छा अच्छा, था ये जो जगह जो आप बता रहे थे बड़ी जबरदस्त जगह है यार। तो मैं तो कहता हूँ हमें ना इंशाल्लाह जी कह रहे जी फूड कोर्ट में हम जाएंगे, और यार बड़ा जबरदस्त मजा आने वाला। तो ये वाली जगह थी जो शकील साहब ने हमें उस समय सही तरह बताई नहीं कि यार कैसी जगह क्या होने वाला है वहाँ पे, तो हम भी बड़े तदस्सुस में थे। तो फाइनली जाते हैं शकील साहब के साथ यार, देखते हैं वहाँ पे आया हम जो है ना क्या करने लगे। फाइनल डेस्टिनेशन में कितना टाइम लगेगा हमें पहुँचने में? 35 से 40 मिनट। चले जी आगे देखते हैं जी हम कितनी देर में पहुँचते हैं। तो फिलहाल निकल रहे हैं आगे, लेट्स सी। यार मेरा ख्याल है पकड़ लो आज तुसी, ये जूस या लस्सी का प्रोग्राम है। देख रहे हैं यार क्या लेना है, चॉइस डिपेंड करता है मौसम के, क्योंकि मौसम गर्मी भी है। और चलो जी आगे चलते हैं यार। बीच में पूरा राउंड करके आ गया वापस। शकील साहब ने फैसला किया कि लस्सी ले ली जाए, तो लस्सी। चले जी मैं बाहर वेट करता हूँ आपका, ठीक है? बहुत शकील साहब तो गए अंदर, पैसे शैसे पे करके आएंगे। अभी लेट्स सी इनको कितना टाइम लगता है। तो शकील साहब जो है ना गए हुए हैं, जो तो गोया ऐसे लग रहा है जैसे जो है ना ऐसे लग रहा है जैसे बिल्ली ने इफ्तारी कर भी ली है। अभी देख रहे जी बिल्ली ने इफ्तारी अभी भी कर ली है जी। चले जी निकलते हैं जी हम अपने रास्ते पे। शकील साहब फाइनली जो है ना वो जलेबियाँ लेने में कामयाब हो गया अंदर, तो यही आ रहा है यहाँ पर। तो लेट्स सी शकील साहब जो है ना कितना जो है ना वो बहुत जबरदस्त किस्म की रश लगी हुई है। तो लेट्स सी कितनी देर लगेगी। ये जी हम ब्रिज पे ऊपर आ गए जी, तो अभी हमारा जो है ना मंजिल मकसूद बड़ी दूर है। ये देखिए जी आपको साइड से व्यू दिखा देते, बड़ा जबरदस्त किस्म का व्यू यहाँ पे आ रहा है। तो आप देखें अभी हम निकल रहे हैं, गाड़ियाँ शाड़ियाँ आ रही हैं, रवा दवा है हमारा काफला। शकील साहब बेसिकली आपका ताल्लुक कौन से एरिया से पाकिस्तान में? अच्छा, फिर मैंने वी लोग स्टार्ट किया, मैंने कहा मैं शकील साहब जो है बेसिकली उनका ताल्लुक जो है ना वो अब्दाबाद से है, जहाँ के लोग अक्सर ये कहा करते हैं कि वी आर ग्रेट पीपल। तो ऐसी क्या बात है अब्दाबाद के लोग ग्रेट हों?
अच्छा जी, अच्छा यानी यानी कि सही तरह से, यानी कि आपने जो सही आँख खोली है वो टेक्सला में खोली है। 125 साल से रिहाइश है और एक्टाबाद हजारा चुके हमारी धरती माँ है, हमारा देश है, हमारी पैदाइश एक्टाबाद डिस्ट्रिक्ट की है। हजारा डिवीजन से हम लोग, सरदार फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं बेसिकली, तो वो तो हमारी शिनाख्त है, हमारी पहचान है। तो रिहाइश जो अभी हमने रखी हुई है वो टेक्सला सिटी में रखी हुई है पंजाब में, कुछ 125 साल से। तो जब टेक्सला शिफ्ट हुए, अभी हम बस आधे रास्ते पे पहुंच गए हैं, आधा रास्ता हमारा रह गया है, लेट्स सी और कितना टाइम लगेगा। ये एक सिग्नल है, हमने क्रॉस करना है, उसके बाद फिर लेफ्ट ले कर अल वसल गेट। आपका यहाँ से गुजर पहले कब हुआ जनाब? मैं तो यहाँ तवील अरसे से आ रहा हूँ। अच्छा, 4-5 साल। जब आपको पता चला, आपने कहा यार यही जगह यहाँ से गुजरना चाहिए हमेशा? हाँ, ये रास्ता, चूँकि रास्ते में ये एरिया पड़ता है, इसलिए यहाँ से गुजर के ही जाना पड़ता है। एरिया भी अच्छा है, साफ सुथरा है यहाँ पे बिल्कुल जी। अब वहाँ बिल्कुल क्लीन है यहाँ पे, देखना जी अब वहाँ बिल्कुल जनाब क्लीन है। तो मैं कहता हूँ कि यार आना चाहिए बंदे को, आउटिंग करनी चाहिए। फिलहाल तो हम रास्ते में हैं, लेट्स सी और कितना कितना टाइम लगता है। और मेरा ख्याल है 15-20 मिनट और लग जाएंगे शायद, 20 मिनट आलमोस्ट लगेंगे जी। देखो यार क्या बनता है। ले जी फाइनली फेस्टिवल प्लाजा हमारा आ चुका है जी, देख लें जी व्यू इसका आप। और हमारी इफ्तारी के लिए हमारी कोशिशें जारी हैं शकील साहब के साथ। शकील साहब, फेस्टिवल प्लाजा सर आ गया है, आगे क्या प्लान है आपका? अभी प्लाजा के अंदर हमने जाना है मेन एंट्रेंस से। ठीक ठीक ठीक, जो फूड कोर्ट है ठीक हो गया, इफ्तारी करनी है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे जो आइकिया का जो आइकिया का ये जो कोने पे नजर आ रहा है ब्लैक ब्लैक के, क्योंकि लाइट की वजह से, सनलाइट की वजह से। इफ्तारी के बाद नमाज पढ़ने के बाद चाय लेंगे इधर से इंशाल्लाह जी, फिर इंशाल्लाह वापसी का सफर करेंगे। अभी यहाँ से राबा क्रॉसिंग से जाएंगे, यहाँ से आप क्रॉस करेंगे। देखिए आप बहुत तेज आ रही है, मैं भी आपको थोड़ी बहुत डिसरप्शन तो नजर आए, शकील साहब की बात में थोड़ी बहुत डिसरप्शन आ सकती है, लेकिन वो इंशाल्लाह कोई नहीं, जब वीडियो हम बनाएंगे तो इंशाल्लाह इसको कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। जे जी फेस्टिवल प्लाजा आ गया, ये पार्किंग से जाएंगे अंदर? ये नहीं, यहाँ पे इनकी बेसमेंट पार्किंग है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये गाड़ियों पे। ठीक है ठीक है, चले जी अंदर चलते हैं जी आगे जाके।